हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कहानी भानावत, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से। आज हम यूनिट 3 के अंतर्गत नंदलाल बोस के बारे में बात करेंगे, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में गिने जाते हैं। अपनी अथक कला साधना द्वारा भारतीय कला को नया मोड़ देने वाले आचार्य नंदलाल बोस एक सफल चित्रकार थे। प्राचीन काव्य और कल्पना को आधार बनाकर अपने चित्रों में यथार्थ के भावों को अभिव्यक्त करना इनकी कला की विशेषता थी। प्रकृति चित्रण इनकी कला का प्रमुख आधार रहा। इन्होंने कई पौराणिक विषयों को आधुनिक तकनीक में बनाकर कला की पृष्ठभूमि में नवीनता का संचार किया। सामान्य जन से संबंधित सामाजिक विषयों को चित्रण का आधार मानकर आधुनिक युग की पृष्ठभूमि पर उसे प्रतिस्थापित किया। ये दैनिक जीवन की सुंदर झांकियां प्रस्तुत करने में माहिर थे। रंगों व रेखाओं का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर अपने चित्रों में करते थे। नंदलाल बोस बहुत ही साधारण परिवार से थे। इनके जीवन यापन की शैली भी अति साधारण थी। कलात्मक अभिरुचि के कारण ही उनका पालन पोषण स्वस्थ व साधारण परिवेश में हुआ। वे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु गहन कला साधना ने नंदलाल बोस को ख्यातिमान कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया। 1882 में एक स्थापत्य शिल्पी के घर उनका जन्म हुआ। मात्र 8 वर्ष की उम्र में उनकी माता का देहावसन हो गया। बालक नंदलाल का मन मिट्टी के खिलौने बनाने और नदी की लहरों को गिनने में बीतता था, परंतु कलाकार का भाव उनके हृदय के किसी कोने में छुपा था, जो धीरे धीरे उनकी अभिव्यक्ति के माध्यम से बाहर आने लगा। स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता में कला की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे अवनींद्रनाथ के साथ उनकी स्टूडियो में कार्य करने लगे। उस समय ईवी हैवेल स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल थे तथा अवनींद्रनाथ वाइस प्रिंसिपल थे, जिन्होंने नंदलाल के कला प्रेम से प्रभावित होकर उन्हें अपने पास रख लिया। रविंद्रनाथ के पास रहकर उन्होंने कला के गहरे मर्म को समझा और धीरे धीरे रविंद्र के साहित्य के समान भारत की संस्कृति और पुनरुत्थान का दर्प आचार्य नंदलाल बोस के चित्रों में भी दिखाई देने लगा। वस्तुतः रविंद्रनाथ के पश्चात नंदलाल बोस ही सार्थक और साधक कलाकार माने जाने लगे। कला साधना के विषय में उन्होंने लिखा, पूर्ण निष्ठा से की गई कला साधना व्यक्तित्व को समृद्ध बनाती है और हमें आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करती है। नंदलाल बोस शांति निकेतन के प्रिंसिपल और विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष पद पर भी कार्य करते रहे। वे रविंद्रनाथ द्वारा संचालित विचित्रा कला गोष्ठी के सदस्य भी थे। लोग व विद्यार्थी उन्हें प्रेम से मास्टर मशाय कहते थे। लगभग 30 वर्षों तक उनकी ख्याति और प्रतिभा से आकर्षित होकर देश की अनेक प्रतिभाएं कला गुरु नंदलाल बोस के निर्देशन में कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए शांति निकेतन आते रहे। उनकी शिष्य परंपरा आज भी ख्यातिमान चित्रकारों में जानी जाती है। आचार्य बोस की चित्रकला में तब और अधिक मोड़ आया जब वह महात्मा गांधी के संपर्क में आए। वे गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। उनके साथ चरखा कातना और उनके आंदोलनों में शामिल होना उनको बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के कई किस्सों को चित्रों में उभारा। संविधान की पांडुलिपि में चित्रांकन हेतु कार्य किया। सिस्टर निवेदिता की पुस्तक इंडियन मिथ ऑफ हिंदू एंड बौद्ध को अपनी कला से सजाया। ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया।
1950 में काशी विश्वविद्यालय द्वारा आचार्य बसु को डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। विश्व भारती से डिलीट करके 1957 में पद्म भूषण से वे अलंकृत हुए। वे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने रंगीन वृत्तचित्र तैयार की। उनके कुछ श्रेष्ठ चित्रों के शीर्षक इस प्रकार हैं, अहिल्या, पार्थ सारथी, लक्ष्मी, पद्मस्थित, कुरुक्षेत्र, वसंत, उमा शिव, उषा किरण, शिव का विष्पान, पूजा, पतझड़, अवनींद्रनाथ ठाकुर का स्टूडियो, बुद्ध और मेष, अर्जुन, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, स्वप्न, मछली वाला, मिट्टी का घर, भारतीय किसान, वीणा वादिनी, विरहिणी, मेघ आदि प्रमुख शीर्षक हैं। इनके निधन के साथ ही बंगाल कैला शैली का एक सशक्त प्रकाश स्तंभ ढह गया। 1967 में इनका निधन हुआ। धन्यवाद।